आकाशर अग्निवर्षा सही होनी प्रचंड ताती असह्य ताती सांगक गुलुगुड़ी जलुच्छी राजधानी जलुच्छी सारा राज्य प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह कलबल राजधानी दिन साढ़े 11 तापमात्रा छुईला 42.2 डिग्री। गत काली ठारू बढ़ीगला राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा गत काली साढ़े 11 41.6 आज किंतु 42.2 डिग्री। भुवनेश्वर 42.2 डिग्री सांगक आर्द्रता 36% थिबा बळे 51 डिग्री तापमात्रा अनुभूत नहीं कहूँ हिट इंडेक्स। सेपरि 42.6 डिग्री सहित संबलपुर होउछि सबुठारू उत्तप्त सहर। तेबे 42 डिग्री उपर रही चारोटी सहर। हीराकुद 42.4, झारसुगुड़ा 42.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सेपरि केन्दुझर 39.2, चांदबाली 38.6, पुरी 36, गोपालपुर 35.4, पारादीप 34.4, बालेश्वर 33.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। अन्य पटे आंचलिक पाणीपाग विभागर सूचना आहुरी 4 दिन रहिबो एभली ताती। राज्य जारी रही असह्य गुलुगुली सांगक प्रबल ग्रीष्म प्रवाह राजधानी रे आज प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह सहित गुलुगुली जारी रही। आम सहित प्रतिनिधि निरुपमा जोड़ी होती न्यूज रूम रु। निरुपमा, प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह कलबल होती राजधानीवासी और दिन साढ़े 11 सुधा ये 42.2 डिग्री छुईची तापमात्रा। ये असह्य ताती और गत काली रेकर्ड आज देखा कि भांगी देछि। निरुपमा कौन कहे? देखो स्वागतिका, जदि आम कह जो भाव में सारा राज्य में कह पश्चिम ओडिशा रु आरंभ कर पर्यंत ताती कलबल करुच्चे। सेपटे पश्चिम ओडिशा में कहींपर भीषण ग्रीष्म प्रवाह लगी रही बेले उपकूल में भी गरम खरा गुलुगुली सांग को आम कहींपर आज ग्रीष्म प्रवाह बा झांझी पवन अस्तव्यस्त करी राजधानीवासी को। केवल भुवनेश्वर कहीं भुवनेश्वर समेत कटक और आखपाख अंचल में आम कह बर्तमान ग्रीष्म प्रवाह बा हिट वेव्र स्थिति जारी रही, जहाँ आसंता 20 तारिख पर्यंत लगी रहा नहीं पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर स्पष्ट कर। तेज जितेबाला बात्या विपर्जय आम कह आरब सागर रही गुजरात उपकूल मुहां होता आम कहींपर जे मौसुमी एक प्रकार बाधक साजिता और उत्तर पश्चिम दिगरू क्रमागत भाव गरम और पवन प्रभावित होता राज्य को, जहाँ को नहीं आम कहींपर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 7 रू 8 डिग्री पर्यंत अधिक रोला। यार प्रभाव आम जब कह ग्रीष्म प्रवाह बा हिट वेव्र स्थिति उपजी झांझी पवन दिन समय अस्तव्यस्त करूला। कि जितेबाला बर्तमान धीरे धीरे बात्या विपर्जय दुर्बल होबार लगी अपसरी जावाक लगी, किंतु समय लगे बर्तमान बात्या विपर्जयर अवस्था आम जब कह राजस्थान मुहां होता बेले बर्तमान भी गभीर अवपात समय रही। जितेबाला कौन गोटे घूर्णिबलय भी सृष्टि हुए आम जब कह जो घूर्णिबलयर प्रभाव में उत्तर पश्चिम दिगरू शुष्क वायु राज्य भीतर को प्रवेश करें बा राज्य भीतर को शुष्क और गरम पवन को आकर्षित करें, जार प्रभाव दिनर तापमात्रा सांगक राति आम जब कह उष्म तापमात्रा अनुभूत हो जाए, जो स्थिति बर्तमान आम कहींपर देखा मिलूँ। और सेपटे आम जब कह पश्चिम उपकूल ओडिशा पर्यंत रातिर तापमात्रा जब आम देखा प्राय 29 रू 30 डिग्री रोकता बेले आर्द्रता राति समय बढ़ी जाऊँगी प्राय 60 रू 80%। और भोरू आम जब कह सका 5 रू 5:30 बा 6टा समय यही आर्द्रता बढ़ी 90% को पहुँची जाऊँगी, फल गरम सांगक असह्य गुलुगुली अनुभूत हो। तेज आसंता 20 तारिख पर्यंत राज्य में एभली स्थिति लगी रही जितेबाला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर स्पष्ट करा जायछि। एवं 20 तारिख पर्यंत अधिकांश सहर में अधा ओडिशा जब ग्रीष्म प्रवाह स्थिति सांग को आम कहींपर गरम गुलुगुली लगी रही। जब आम विशेषकर कह संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बरगढ़ और सोनपुर में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह नहीं हिट ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि, अर्थात सीवियर हिट वेव्र स्थिति उपजीव। तापमात्रा 45 रू 46 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइपर जहाँ पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन करा जायछि। सेपटे ढेंकानाल अनुगुल केन्दुझर देवगढ़ बौद्ध बलांगीर कलाहांडी नयागढ़ कटक खोर्धा सांग को आम कहींपर नुआपड़ा और मयूरभंज में भी हिट वेव्र स्थिति जारी रहिबो, किंतु पश्चिम ओडिशा तुलन में सामान्य कम रहिबो हिट वेव्र प्रभाव। से येलो अलर्ट जारी करा जायछि। मोटामोटी जदि देखा अधा ओडिशा बर्तमान प्रबल खरा संतुली होता बेले आगक आहरी निस्तार नहीं 20 तारिख पर्यंत बोली, जहाँ पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना बर्तमान पर्यंत रही। किंतु दिन 1:30 को अपेक्षा करने को पड़ो, कारण आम जब देखा पूर्व पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहता मौसुमी आसवाई पाग अनुकूल होती 18 रू 21 तारिख मध्य राज्य को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु छुईपे, तार प्रभाव में प्राक मौसुमी वर्षा प्रथमे दक्षिण ओडिशार आरंभ हो किंतु जो भली स्थिति वर्तमान रही मौसुमी आगमन नहीं कौन सूचना नहीं कारण 20 तारीख पर्यंत हिट वेव्रु निस्तार जेहेतु मिलूनी आगकू पाणीपाग विभाग सूचना कौन रोचे पानी केबे आसीबो मौसुमी खरा गरम रु केबे निस्तार मिलिबो एवं जो भली भाबरे हिट वेव्र स्थिति रही सेतिरु केतेबेले केबे निस्तार मिलुचे ताहा मध्ये निश्चित भाव में राजधानी भुवनेश्वर कथा कह 2009 मसीह देखा कि भुवनेश्वर सर्वोच्च तापमात्रा 41.4 डिग्री था गतकाली से रेकर्ड भांगी किंतु आज आप देखूँ सबू रेकर्ड को भांगी देती कहीं गोटेपटे प्रचंड असह्य ताती सहित दिन बेला गुड़गुड़ी जमी गोटे सांधी हो जाती राजधानी बासिंदा ये जो बात्यार प्रकोप अरब सागर साइक्लोन प्रभाव तार गोटे प्रतिफलन देखा मिलूँ कि निर्बमा कही रखिली जितेबाला कौन सी एक घूर्णिवलय भी सृष्टि हुए आम कहीपर बंगोपसागर कहवा कि अरब सागर कहे तार प्रभाव में उत्तर पश्चिम दिगुरु क्रमागत भाव में गरम एवं शुष्क पवन राज्य को प्रवेश कर जो बात्या विपर्जय कथा कहे शक्तिशाली बात्या तार प्रभाव में संपूर्ण जलय बाष्प बात्या केन्द्र स्थल रही है और से बात्या संपूर्ण मॉइस्चर को टाणी रखा फल मौसुमी को सक्रिय करने आम सहित विश्वजित साहू अच्छा पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजित बाबू ये प्रकृत एभली स्थिति कहीं केते दिन पर्यंत लगी रहा प्रथम टे कहतु उत्तर पश्चिम दिगुरु आमर शुष्क वायु प्रवाहित होउची जोटा कि आमर बेसी एम्प्लीफाई करूची जो हीट वेव कंडीशन रहीची आमर दक्षिण ओडिसा एवं विशेष करी आमर ट्विन सिटी कटक एवं भुवनेश्वर रे तबे आजि जदि कथा करा तबे आजि ओटा आमर ओडिसा ऊपर ओटे गुरुचाप क्षेत्र सक्रिय रहीची जोटा रे आमर माने आमर साधारणत गुरुचाप क्षेत्र रे तो वायु गुडी को जो रहिता है ता केंद्र स्थल रो विचलित होई तार विभिन्न डिग्री मूवमेंट करते एवं एहा फल रे आमर जो गुरुचाप क्षेत्र जो अंचल रही तार उपर उपर वायुमंडल रे आमर क्लियर स्काय माने हम जो निर्मल आकाश देखा जाए एवं सन आमर जो सूर्य उत्ताप रही से अंचल बेसी अधिक देखा मिलता है तबे से फल आमर कहि परिबा आज भुवनेश्वर पाखापाखि 11:30 सुधा 42.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि जहाँकि गतकाली 11:30 जो रेकर्ड कराइतला ता तुलना 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहउछि। विश्वजित बाबू समस्ते चाह रही मौसमी को पाग केबे ठंडा हबो देखंतु जदि हमें देखिया को जे वर्तमान में जो मानसून डायनामिक रहिछि ताहा हमें कहि परिबा 20 तारिख 19 किबा 20 तारिख पूर्वरु मानसून ओडिसा को छुइबार संभावना पाखापाखि माने क्षीण कहले चले कारण से जो हमर मानसून लो प्रेशर ता थिला हमर जो साइक्लोन विपर्जय ता वर्तमान सुद्धा वीक होइनी माने हमर से ओटे से वर्तमान सुद्धा भी मध्य डीप डिप्रेशन ऊपर रही जोटा कि मानसून फ्लो को अफेक्ट करोची टुवर्ड्स आउट के प्रोग्रेस करे बारे तबे जतले काली किबा 18 किबा 19 बेलु से गोटे जत वेलमार्क फ्लो किबा लो प्रेशर रे परिणत होई जीवो तो सेतलो टिके कंडीशन फेवरेबल हबो टिके माने हमर मानसून को टिके आगु को बढ़िया को हमें कहि परिबा 20 किबा 21 बेलु को हमर मानसून ओडिसा छुई पारे ताहले एभली जो स्थिति मौसमी धोखा देछि जून ने सारा राज्य जळुछि लगातार 40 डिग्री ऊपर सर्वोच्च पारा रहउछि राज्य रे एवं पश्चिम और दक्षिण उपकूल रूपांत समस्त जेमति संतुली हेलेनी 21 तारिख पर्यंत एभली स्थिति लागि रहइबो अर्थात एही 4-5 दिन एभली स्थिति रहइबो कि नहीं नहीं आमे जति देखिया को जिबा हमर हीट वेव कंडीशन हमर पाखा कि काली पर्यंत माने समस्त राज्य रे अनुभूत हेबो आज ही तार मैक्सिमम हम कहि परिया पीक इफेक्ट आज पर्यंत रहइबो काली टिके कमिबो काली कि पूरा कमी जीव कल टिके कमी 18 तारिख बेलू तो 19 तारिख बेलू आम उपकूल ओडिशा एवं जो कटक भुवनेश्वर ये सब अंचल हिट वेव कंडीशन कहीपर मुख्यतः कमिजी किंतु पश्चिम ओडिशा जारी रहा पश्चिम ओडिशा पाखापाखि आम कहीपर 19 किबा 20 तारिख पर्यंत हिट वेव कंडीशन जारी रहा किंतु उपकूल ओडिशा गतकाली पर माने हमर 19 तारिख बेलू हिट वेव कंडीशन कमिजी एवं सामान्य रूपे हमर 19 किबा 20 बेलू दक्षिण ओडिशा केतेक जिला एवं हमर उत्तर उपकूल ओडिशा प्राक मौसुमी जनित वर्षा आरंभ हो पारे एवं पर हमें कहि परिया 20 किबा 21 बेलु को पश्चिम ओडिसा मध्ये तापमात्रा कमिवो। विशेष बाबू अपन देखंतु हठात रे ये 8 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़ी जिबा तो अरब सागर जो साइक्लोन जगो समुद्र पृष्ठर जलर तापमात्रा ह्रास होईची एवं समुद्र पृष्ठरे पानीर तापमात्रा मध्ये 4 ରୁ 8 डिग्री पर्यंत ह्रास होईची तो मौसुमी पई ये समुद्रर पृष्ठर तापमात्रा बढ़िबार केते आवश्यकता रहिची देखो मानसून माने मानसून आम कहीपर मानसून टिके इफेक्ट कला हमर से साइक्लोन विपर्जय किंतु सी सरफेस टेम्परेचर टिके माइनर इफेक्ट पकई थाय हमर मसे मानसून ऊपर किंतु एते भी बड़ धरण इफेक्ट पकईबोनी कारण हम जदि देखिया जिबा मानसून हमर ए जून लास्ट वीक रे गोटे सिस्टम डेवलपमेंट होई पारे बे ऑफ बंगाल रे हम जोटा कहउचे मानसून लो प्रेशर तो सेटा मे भी हमर आम सहित रुहतु टी आमको देखा कि सहयोग करूँ कहीं आम केमी ग्राउंड स्थिति जाना कहीं जो खरा जो भाव में होतीविक्रम आम प्रतिनिधि अच्छे से ग्राउंड स्थिति देखाइबे तिविक्रम देखिए तो रास्ता घाट निश्चित भाव में भिजुआल देखुचु खाँ खाँ कि पानी जल ठंडा पानी दुकान में लोकों भिड़ जमुची केमती गरम अनुभूत हो गुलुगुली केमती अनुभव हो देखो एत गरम होची आज शनिवार समलेश्वरी मंदिर भितर तो भिड़ रही किंतु देखिए जो माने भी यात्री आसी से माने गच्छ मूलर ही अपेक्षा कर गोटे पटे माँ समलेश्वरी मंदिर विकास कार्य चली निर्माण कार्य चली एत खरा जे बाहर देखिए बाहर जमी लोक मैंने रास्त यातायात करवाटा बहुत क्वचित किए केमी मुहर कपड़ा बांधि जाऊँगी किए पा बोतल टे धरी जाऊँगी कि जो परिस्थिति आज देखा जा विभिन्न ठंडा दुकान ही भिड़ आम सीधासल क्या प्रतिक्रिया ना अंबिका को आज्ञा माँ विषय तो कहते खरा तो बहुत आज्ञा ना कौन जन खरा हो माने लोग घर बाहर क्या आज्ञा घर भेतर रही ना पार्बार टीवी रे देखो जे कम बोल कर लोग भड़की बोल कर कम कम देखो टीवी रे हेले तो मोर हिसाब से आज्ञा 50 नु कम ना है भाई धर 50 ऊपर बजा कमे ना है से लोग भी मंदिर भी खाली खाली हो पूरा लोग घर बाहर बार ने घर बाहर लोग डरुन आ ताके लाइन काटुआ से गोटे असुविधा ही बहुत जोर जीवन यात्रा पूरा 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 माने घर लोग बिल्कुल ना बाहर बाहर किए आज जेन मैंने आसुचन बिल से भावुन गागर लगी आम साढ़े तो खरा ना ओडार के खरा अच्छे बोली से कौन आपण के हम ये घर ये मंदिर पाखे ये थोड़ा बहुत खरा हो 40-42 हो खरा बहुत खरा रही ना ना दुकान बंद कर एमिति खरा लोके केबे भी देखि नथिले जेमति लोकन को प्रतिक्रिया रास्ता घाट खाँ खाँ जदी दरकार पड़छि लोके बाहर को बाहर जंति विक्रम देखिछु शासक को को जीवा को चाहिए बौद्ध रे केमति स्थिति अछि शासक बौद्ध जिला पय देखिबा कि अंशुघात जनित येलो वार्निंग जारी करा जाइछि प्रबल गरम गुळुगुळी होछि केमति आपण सेटाकर स्थिति एवं तास लोकन को भीतर कोन प्रतिक्रिया अछि एभली गरम को नेके कोन कहउछन्ती और निहत्य भाव स्वागत क्या देखो जहाँ रही दीर्घ दिन है यही स्थिति जारी रही जहाँ रही विगत 10 दिन है 40 डिग्री उपर तापमात्रा रही पानीपाग विभाग पक्षर जिला को येलो वार्निंग जारी करा कहते अंपटे कालीर स्थिति देखा जहाँ रही 42 डिग्री उपर बौद्धर तापमात्रा थिला गोटे पटे कह गले जनजीवन संपूर्ण भाव अस्तव्यस्त हो पड़ी जो भाव आकाश रू अग्नि वर्षा होगी 8टा पर गोटे प्रकार अघोषित कर्फ्यू लगी बौद्ध सहर कहतु ग्रामांचल कहतु सबुठारे अघोषित कर्फ्यू लग जाउछि जहा फल रे जनजीवन बाहर को बाहर गोटे प्रकार अस्तव्यस्त हो पड़े तेज वर्षा को किभली वर्षा हेब अंचल यह गाँ गाँव पूजा अर्चना आरंभ हो गला जहाँ रही एठी आदिवासी अंचल जेहेतु अधिका रही से इंद्र पूजा आरंभ हो जाइए अंपटे देखा गले विभिन्न स्थान में जल छत्र खोलिया कथा किंतु ए पर्यंत प्रशासन पक्षर विभिन्न स्थान में जल छत्र खोल जाई नथिबा जहा देखा मिलुछि सेपटे देखा जो बौद्ध कोरे कोरे जा रही महानदी देकी जाइए तेणुक महानदीर उत्तप्त बाली जहाँ रही बौद्ध जिला को आहरी उत्तप्त कराउछि जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़ी खरा रक्षा पाया लोक मैंने जहाँ रही ठंडा पानी कहतु चीनी शरबत कहतु ये दुकान रे भिड़ देखा मिलूँ घर बाहर माने पानी बोतल सहित ओदा गामुछा मुंडे पकई जहाँ रही लोक मानक बाहर को बाहर थोड़ा देखा मिलूँ स्वागत क्या निश्चित भाव में देखा कि लोक मैंने घर बाहर को बाहर को भय कर प्रश्न उठुची एलिनो प्रभाव में बेस किसी क्षति हेनी तो चाषी मैंने हताश हेनी तो ओडिशा रे थरो स्वाभाविक वर्षा हे तो कहीं समस्त जमी वर्षा को चाह रही चाषी कूल ठार आरंभ कर साधारण लोके शाश्वत त्रिविक्रम और निरुपमा आपण खबर पर नजर रखते बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजित बाबू अधिक आलोचना कर दुई पर्यंत शिक्षा प्रदान करुवा समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त और घर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय सबू बंद रही शिकारीकूल में प्राण हर फरेस्टर मयूरभंज जिला सिमिड़कल में पुणी एक घटना सामना आसी उपर वारकामड़ा रेंज में गोलीमार हो जड़े फरेस्टर शिकारी गोलीमार में प्राण हर पाट्रोलिंग करुवाबे गत काली घटना घटी गुलीमाड़ बेले छह जन शिकारी वन विभाग जानवाक गोटे बंधुक जबत सहित वन विभाग तदंत करुच्ची। पूर्वर भी जड़े फरेस्टर शिकारी गुलीमाड़ में प्राण हराइथिले। बहानगा रेल दुर्घटना एसटीपी रे आउ जने यात्री मृत्यु होइछे।